आराम से हम तो यही है, हम कहीं जा रहे हैं यार। उनकी तरफ यादव को आज प्रोडक्ट वार्ड पे हमने लिया था, यूपी पुलिस नीचे कर लिया थोड़ी देर से, हरिम शामिल तफ्तीश कर लिया है, कोर्ट में पेश किया, बेल ले लिया कोर्ट ने। सर जो सागर ठाकुर था क्या उसने राजीनामा लिख कर दे दिया? वो हमारे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं आया, हमारे कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा कोई हमारे पास नहीं, अपनी तरफ से करा होगा तो हमें पता नहीं। या किसी और केस में भी इसमें पूछताछ हुई थी आज? नहीं, हमारे एक ही केस से इसमें पूछताछ हुई। तो क्या सर आपको लगता है कि दोबारा आप इसको रिमांड पर लेंगे? नहीं नहीं, दोबारा हमें जरूरत नहीं, हमने जितना काम था कर लिया, और इसके जो साथी चार पास है जिनके नाम बताए हैं वो हम मनीष करेंगे। अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? आगे की बाकी जो बचे हुए हैं इसके साथ आते हैं उनको पूछताछ करेंगे और कोर्ट में चलान प्रोसेस करेंगे। तो क्या एलवीएस यादव को हर बार यहाँ आना पड़ेगा कोर्ट में? हाँ, तारीख पर आना ही पड़ेगा, चलान देंगे तो भी आना पड़ेगा, और उसके बाद तारीख पर भी जो कोर्ट में तारीख लगी पाना। जो बेल मिली है क्या कुछ इस पे वो लगाई गई कंडीशन? बेल पर कंडीशन होगी वो कोर्ट बताएगा, बेल पर जो कंडीशन मांगी है हमने तो कोर्ट बेल बताया गया, बेल हो गई है, बेल बाउंडी ने दे दिए हैं, बेल पर ही आकर किया। अच्छा, जो आए थे आरोप लगाने सागर ठाकुर, उन्होंने क्या बयान दिया फिलहाल? नहीं, उन्हें कोई नहीं, एक बार जो स्टेटमेंट दी उसके बाद हमारे पास नहीं आया। कब आए थे अभी यहाँ पे? अच्छा, नहीं मैंने नहीं, हमें नहीं, अभी नहीं आए। ठीक है जी, ठीक है। जवान जा।